नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रंगीला के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता है? तो वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला है, IMA सोशलिस्ट के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल आमीन नामक न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया? तो मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब ने। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन सा खेल खेलते हुए मृत्यु हुई? तो वो हो जाएगा पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा सल्तनत को किसने स्थापित किया था? तो दिलावर खान ने। अगला, भारत के पूर्वोत्तर भाग में सबसे पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहां पर लगी थी? तो वो लगी थी उड़ीसा में। अगला, किसने सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक खुदाई से जो पूरे के पूरे शहर निकले, उनके नाम क्या हैं? हड़प्पा है, ढोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगन। अगला, हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत कब हुई थी? तो 2600 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका किस साम्राज्य का सम्राट था? तो वो था मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है कि अब तक की खोजों के आधार पर भारत का इतिहास कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब आरंभ हुई? तो 3300 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। अगला है, देवन मम्पिया पिया दासी के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अशोका। अगला, अहमदाबाद शहर की खोज किसने की थी? अहमद शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट की हत्या के बाद मौर्य वंश खत्म हो गया? तो ब्रह्मद्राता। अगला है, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। अगला, किस राजा की मृत्यु के बाद गुप्त वंश नष्ट हो गया था? तो शशांक गुप्ता। अगला, किसने दिल्ली को दोबारा स्थापित किया? अनंगपाल तोमर ने। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर को किसने तबाह किया? तो महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन की लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।